सर अगर आपसे पूछूं मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी आपको कैसी लगी, क्या बोलेंगे आप? देखिए, पहली बात यह है कि पिक्चर जो है झांसी की रानी पे बनी है, जो हमने इतिहास में बचपन से पढ़ते आया, ये पहले से ही जो इन्होंने नाम झांसी की रानी पे बनाया है। अगर पिक्चर कैसी भी रहे, हर एक नागरिक को देखना चाहिए कि उन्होंने ये इतनी गहराई से और इतनी बेहतरीन से उन्होंने गहराई स्टोरी लिख करके और उन्होंने ऐसा उसको दर्शाया है कि हर एक बच्चे जो है ये पिक्चर देखे और जानेगी झांसी की रानी ने इस देश के लिए क्या दिया है। और ये पिक्चर जो है मैं देखा, ऐसा हर एक आदमी को देखना चाहिए। अभी भी मेरे आँख से रोंटे खड़े हो गए, आँख से आंसू गिर रहे कि ये पिक्चर है ऐसी झांसी की रानी जो हमें दे के गई, कि मरते दम तक उनके आँखों में यही था कि मैं रहूं या ना रहूं, अपना देश रहना चाहिए। मतलब ये डायलॉग है इसके अंदर, मतलब उन्होंने जो है मरते दम तक जो है गोली लगती गई, सांस जाने को है तभी भी उन्होंने देश के लिए जान उन्होंने दी और काम उन्होंने अच्छा किया है और पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है। मैं चाहूँगा कि हर एक अपने देश जो है देशवासी फैमिली के साथ ये पिक्चर देखे। कुछ इसी नहीं है इसमें, पिक्चर तो हम हर एक देखते हैं, हर एक ऐसे स्टोरी, लव स्टोरी, फाइट वगैरह वगैरह कुछ भी देखते हैं, लेकिन ऐसी जो है देश पे अपने बनी हुई पिक्चर बहुत कम आती है। थोड़ा राज के ऊपर है और अंग्रेज लोग ने जो हमारे ऊपर जो अत्याचार किया था उसके बारे में है, जो उसके बारे में जो उसके बीचों में रह के झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जी ने जो देखा, वो गरीबों का दर्द देखा और इसके अंदर जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इसमें एक अलग तरह का प्रेरणा भी दिया गया है, जो इसमें दिखाया गया है छत्रपति शिवाजी को भी इसमें दिखाया गया है। और ये समझ लीजिए कि ये देखने के बाद मुझे अभी भी याद आ रहा है कि ये जो है रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि वो भी जो है छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा थी, मरते मरते भी छत्रपति शिवाजी का नाम लेते लेते मरी और उन्होंने बोला मराठा मरेंगे हर हर महादेव, मरेंगे तो छत्रपति शिवाजी की तरह, नहीं तो हम रहे ना रहे लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, भारत ही रहना चाहिए। सर अगर मैं बात करूं फिल्म के डायलॉग्स की, फिल्म के गानों की, तो आपको कैसे लगे फिल्म के डायलॉग्स और गाने? देखिए, डायलॉग अच्छा है और इसमें थोड़ा बहुत गहराई वाला डायलॉग है और क्या देश के ऊपर है और थोड़ा मैं बहुत इसमें डूबा हुआ था तो एक बार और ये पिक्चर देखूंगा। डायलॉग हर एक पिक्चर जो है रनिंग, जब आदमी लोग इमोशनल में देखते हैं तो हर एक डायलॉग नहीं रहता है याद, लेकिन इसमें जो है हीरो नहीं है, हीरो का ऐसी किसी को भी ले लिया, लेकिन जो इन्होंने हिरूनी के जो झांसी की रानी के तौर पर इन्होंने जो कंगना ने जो काम किया है, जो तलवार जो है लास्ट तक वो चलाती गई और ये अंग्रेज लोग लड़ते गए, कई लाखों लोग सैनिक लोग और हमारे मराठा सैनिक लोग कुछ लोग थे उनको लड़ाई करते गए, लेकिन मरते दम तक उन्होंने अपने तरफ तलवार लगने नहीं दिया और जो है खुद को जला के ये कर लिया। तो उनको ये समझना चाहिए हर एक इतिहास का कि वो एक प्रेरणा थी। आज भी जो है उनका हर एक किताबों में लिखा गया है झांसी की, वो तो झांसी वाली रानी थी, गलत नहीं है, ये सही कहा गया है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और मैं सबको यही चाहता हूँ कि हर एक अपने देशवासी नहीं देखें ये पिक्चर देखिए, गलत नहीं है, सही है, हर एक पिक्चर आप देखें ये भी देखिए, आपको ज़रूरी है ये झांसी की रानी को प्रेरणा दीजिए। अपने छत्रपति शिवाजी के ही मराठा हैं और उन्होंने प्रेरणा दी, आप भी प्रेरणा दीजिए। मैं दे के आया हूँ, वापस दूंगा, मुझे अच्छी लगी। सब रहे ना रहे, अपना देश रहना चाहिए, उनका ये डायलॉग था और मरते मरते वो कह के गई। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जो है उनकी प्रेरणा को और उनका जो है ये जो है उनका बलिदान को ये मत जाने दीजिए, उनको ये श्रद्धांजलि, हाँ, व्यर्थ मत जाने दिए। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 5 देंगे। ऐसी पिक्चर बहुत कम आती है और जो है हम तो हर एक पिक्चर को समझ सोच के देते हैं, लेकिन इस पिक्चर को 5 में 5 देना चाहिए। देश के ऊपर, बलिदान के ऊपर बहुत कम पिक्चर बनती हैं, समझने वाले बहुत कम रहते हैं, लेकिन मैं जो ये पिक्चर देखे तो उसमें समझने वाले जो है समझेंगे
और देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कंगना रनावत के लिए ये जो है, चाहे कुछ भी हो, पिक्चर सुपर हिट हो चाहे ना हो, लेकिन उन्होंने जो है आज का जो है, मतलब आज तक उन्होंने जो काम किया उससे ज़बरदस्त ये पिक्चर में इतना अच्छा काम किया, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, 5 स्टार दूंगा।